जंतर मंतर पर अनशन के दौरान टीम अन्ना और अन्ना समर्थकों की ओर से लगातार मीडिया के साथ बदसलूकी के मामले पर आखिरकार टीम अन्ना ने माफी मांग ही ली। मंगलवार को टीम अन्ना के अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल ने दुख जताते हुए मीडिया से माफी मांगी। यही नहीं, गांधीवादी उसूलों पर चलने वाले अन्ना हजारे खुद इस मामले पर बेहद आहत हैं। अन्ना ने अपने समर्थकों को चेतावनी देते हुए कहा है, अगर अब ऐसा हुआ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा ये आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा। यही पर आंदोलन वही पर समर्थ, मुझे बड़ा दुख होता है। लोकशाही को हमें मजबूत करना है तो ये मीडिया और हम सब लोगों ने मिलकर मजबूत करना है। एक अकेला मीडिया लोकशाही को नहीं मजबूत करेगा, आपके लिए जनता मजबूत नहीं करेगी, दोनों को मिलकर ये लोकशाही का चौथा खंभा है। दरअसल सोमवार की सुबह जंतर मंतर पर अन्ना समर्थकों ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की थी। हालांकि ये मीडिया से बदसलूकी का सिलसिला पहले से जारी था, लेकिन सोमवार की सुबह जो हुआ वो वाकई अन्ना के अहिंसात्मक आंदोलन के हिंसात्मक रूप में तब्दील होने की तस्दीक कर रहा था। प्रदेश यादव, न्यूज पॉइंट, दिल्ली।